रीवा पुलिस की बड़ी सफलता, पकड़ा 10 करोड़ लागत का गांजा, डालडे के डिब्बे की आड़ में छिपाकर ले जा रहे थे गांजा। रीवा पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। जी हां, उसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ की कीमत का गांजा पकड़ने में सफलता पाई है, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी रीवा ने किया। आईजी रीवा के अनुसार उनके मुखबिरों ने खबर दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ से गांजे की एक बड़ी खेप रीवा में रामलाल जायसवाल के यहाँ लाई जा रही है। नशे के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी के साथ रीवा पुलिस ने जाल बिछाया। रात 12:30 बजे रीवा रोड चौरहटी में ट्रक क्रमांक MP20HB3344 और उसके आगे चल रही फॉलो गाड़ी स्कॉर्पियो MP17CA5835 को अपने शिकंजे में ले लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर डालडे के बीच में से 10 क्विंटल गांजा निकला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक है रीवा चूना भट्टा समान थाने के पास रहने वाला रामलाल जायसवाल, जिसके पास ही यह सारा गांजा पहुंचना था। इसके बाद यह गांजा जिले के आसपास और सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाना था। आइए चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, जानते हैं आईजी रीवा क्या कह रहे हैं। जब से उल्टी उल्टी पलटी या उल्टी पलटी जो थी जब नीचे गई गिने सकती थी गिन ले। हाँ, ऊपर वाला बनाई वो कहू ना पाई, ये तो हम लोग कितने टोटल गिन नहीं थोका गिन नहीं गिन हम गिन ले रहा ठीक है ना चल आए नहीं, फिर उसके बीच में गांजा लेके आते थे, फिर उसके बाद गांजा पूरा इन लोग कोई जंगल के रास्ते में उतार देके छोटे छोटे गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट कर देते थे। ये ऐसा इन्फॉर्मर ने बताया, इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के लोगों से आया है इन्हीं के बीच में। ये पुलिस का पिछले सालों से काफी मात्रा में डबल ऑलमोस्ट कार्रवाई हो गई है इस साल, पिछला साल 2018 और ये कार्रवाई चलती रहेगी। अभी चुराहटा में चुनाव के पहले भी पकड़ा था गांजा, तो ये पूरा क्लिपिंग जो ले जाते हैं ले जाके वहां पर इन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है। इसी तात्मर में पूरा रीवा जोन के 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हम लोग मीटिंग लेके एवरी मंथ हमारा क्राइम मीटिंग में भी हम लोग सुपरवाइज करके क्या कार्रवाई कर रहे हैं नशा के खिलाफ, खास करके क्योंकि अलग अलग स्रोतों से, पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से, जगह जगह से जानकारी मिलते रहती है कि नशे का कारोबार यहां पर अच्छा फैला हुआ है और रीवा के कई लोग इसमें शामिल हैं और ले आके छोटे छोटे पुड़ियां बना के इनको आदत डालते हैं और ये कार्रवाई करवाते हैं। तो मैंने ये जानकारी आज दिया है, इसी कल हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसा ऐसा एक ट्रक वहां से लदा हुआ मैयर होते हुए रीवा में बुलाया गया था,
और ये इसमें लालमणि जायसवाल और उसका जो भाई है, इन लोगों द्वारा ये ट्रक बुलाया गया था और ये बीच रास्ते में ये गाड़ी अपना ले जाके उसको पायलटिंग करते हुए ले आएंगे यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद ये लोग क्या फिर छोटे छोटे गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग बेच देते हैं। उन लोगों की भी हमारे पास सूची है सभी लोगों की जो जो इन लोगों के साथ पार्टनर्स है, उसका भी हम लोग अभी जानकारी लेके उसके खिलाफ भी कार्रवाई अभी हम करेंगे विवेचना आगे। तो इस दौर में इसने ये ट्रक से लगातार संपर्क में रहा, ट्रक को यहाँ पर बुलवाया और ट्रक को जब हमने इंटरसेप्ट करके पूछा गया तो पहले इन लोगों ने बोला कि हम लोग डालडा ले आ रहे थे कहीं आंध्र प्रदेश काकीनाडा से। फिर बाद में जब डालडा का पूरा ऊट पे चढ़ के इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूल लिया था कि सर ये गांजा है और आगे हमारा जो ये गाड़ी जो आपने रोका है उसी गाड़ी में यही लोग हम लोगों को यहाँ से पायलटिंग करके ले आ रहे हैं। तो इनसे पूछा गया तो इन लोगों का रिकॉर्ड भी है और इन लोगों की सूचना तहत जो इन्फॉर्मर है उसने सही सूचना दिया था, तो सूचना के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जब इन लोगों का मौके पे पूरा निकाल के देखा गया, पूरा देखा तो उसमें गांजा मिला था बोरियों में, लगभग इन लोगों ने बोला था कि 10 टन लगभग 1000 टन का 1000 केजी गांजा रीवा ले आ रहे हैं। तो इसमें जो ट्रक में 3 लोग थे और इनके गाड़ी स्कॉर्पियो में 2 लोग थे, इन 5 लोगों को मौके पर गिरफ्तार करके हम लोग यहाँ पर ले आके चौराटा में कार्रवाई की। अभी 10 टन 50 ग्राम है, इसकी लागत इंटरनेशनल मार्केट में सब लगभग अराउंड 10 करोड़ रुपए आंकी जाएगी। और ये 5 आरोपी है, इसके साथ एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो है। और जो अभी ये सरदार है, जो ये रहने वाला जो आरोपी 3 जो ट्रक में थे, ये रहने वाले अपना जबलपुर के हैं। इनका कहना है कि जब ये लोग काकीनाडा से डालडा लेके आ रहा था तो इन्हीं का आदमी एक व्यक्ति ड्राइवर वहां पर मिला था बीच रास्ते में, कहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए दे रहे थे। हमारे पास एविडेंस है और इन सभी आरोपियों के बारे में जानकारी है, ये लोग क्या क्या काम करते थे, इसके साथ इन लोग का पूरा बड़ा नेटवर्क है। ये लोग लगातार क्या है कि यहाँ गांजा का पुड़िया बेच के ना केवल रीवा यूपी के आसपास के क्षेत्र और या पन्ना पूरा जगह पे ये लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ये लोग ऐसा ट्रांसपोर्ट करते थे छत्तीसगढ़ से, वहां से ट्रक ले आना, उस ट्रक में सड़ा हुआ फल या सड़ा हुआ सब्जी ले आते हैं ताकि इसका स्मेल कहीं भी आए नहीं, फिर उसके बीच में गांजा लेके आते थे, फिर उसका बाद गांजा पूरा इन लोग कोई जंगल के रास्ते में उतार देके छोटे छोटे गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट कर देके फिर बाद में ये सड़ा हुआ फल यहाँ का नदी में या किसी में फेंक देते थे। गांजे की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद रीवा दर्शन की टीम ने आम लोगों से कुछ बातचीत की, आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। विंध्य क्षेत्र में इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर है। आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत है उस गांजे की खेप को पकड़ने में सफलता पाई है। इसके बाद लगातार पुलिस के प्रयास हैं कि यहां पर जो मादक पदार्थों की तस्करी है उस पर रोक लगा सके। इस पूरे मसले पर जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली रही वाकई में काबिले तारीफ रही। पुलिस ने लगातार एक टारगेट बनाया था और जो गांजे की तस्करी यहां पर हो रही थी उसकी धरपकड़ में सफलता पा सकी। दरअसल रीवा ज़िले में और आसपास के विंध्य के पूरे इलाके में गांजे की तस्करी लंबे समय से चल रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पर गांजे की खेप आ रही है और पुलिस ने एक घेराबंदी की। मैहर से आ रहे ट्रक को उन्होंने निशाना बनाया और लगातार उसकी रैकी की। चौराहटा थाने के पास जब ये बाईपास पे ट्रक पहुंचा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस ट्रक पर डालडे की खेप थी और उसी के बीच में छिपाकर गांजा रखा गया था। पुलिस ने लगभग 10 क्विंटल 10 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 10 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो जब्त की है। ये स्कॉर्पियो इस ट्रक के साथ रहकर रेकी करती थी और ये पेट्रोलिंग करती थी। साथ ही ये इस पर जो आरोपी थे वो पूरी सूचना देते थे कि पुलिस की चेकिंग कहां पर है और कहां पर संदिग्ध गतिविधियां की जा सकती हैं। इस ट्रक पर जो स्टॉक्स रखा होता था उसको ये अलग अलग स्थानों पर रखते थे और इसके बाद उत्तर प्रदेश और साथ ही MP के कई जिलों पर ये खेप पहुँचाते थे। लगातार इस तरह की घटनाओं से रीवा ज़िला
दहशत में है। जिस तरह से यहाँ पर गांजे की खेप और मादक पदार्थों की खेप आ रही है, युवाओं पर खास तौर पर इसका असर पड़ रहा है। और पुलिस ने जो मुखबिर और आरोपियों से एक बात सामने आई वो ये थी कि ये आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये खेप लाई जा रही थी और लोकसभा चुनाव में इस खेप का प्रयोग किया जाता और गांजे की पूरी तस्करी चुनाव के ठीक पहले की जाती। आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे क्या मानते हैं वो गांजे की तस्करी को लेकर, यहाँ युवाओं पर कितना बुरा असर डाल रहा है ये गांजा। क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर गांजे की खेप आ रही थी और लगातार रीवा ज़िले में गांजे की तस्करी हो रही है, युवा मादक पदार्थों में लिप्त पाए जा रहे हैं, कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, ये समाज के लिए तो बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि जो भी युवा पीढ़ी है आज की डेट में तो कई सारे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, गांजा आपका कोरेक्स है, बहुत सारी गोलियाँ आती हैं, इससे युवा बहुत उसमें आ रहे हैं, मतलब मानसिक क्षति तो हो ही रही है, आपका पैसे से लेके सारी चीज़ें और घर परिवार में बहुत सारी क्लेश उठ रही है। तो आज प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सफलता के लिए और यही चाहूँगा कि इसको प्रशासन पूरी तरह अपने क्षेत्र में प्रतिबद्ध करे। मतलब ज़्यादातर युवा इस समय कोरेक्स की गिरफ्त में है, यहाँ पर चरस, अफीम जैसी और स्मैक जैसी मादक पदार्थ भी यहाँ पर आ गए हैं और लगातार युवा इसमें ग्रसित होते जा रहे हैं, उनके कैरियर पर इसका निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी, बिल्कुल युवा पीढ़ी, जैसे ये जो ये छोटे जैसे सस्ते नशे, जैसे गांजा हो गया, ये बहुत सस्ता नशा है, मतलब हर एक जिसके पास नहीं है पैसे तो गांजे में लिप्त हैं, 20 रुपये में लिया और बिल्कुल लिप्त हैं, तो बिल्कुल इसको समाज में पूरी तरह से वो किया जाए तभी युवा का वो है। नहीं तो बाकी निश्चित तौर पर इस तरह से गांजे की खेप और यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी निसंदेह ये युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है। दिव्या, क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, युवाओं के कैरियर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो इसकी गिरफ्त में आकर जहाँ अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं वहीं धन और परिवार को भी तोड़ रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा जो युवा होता है उसे हम देश का भविष्य मानते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है कल हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेगी। और जिस तरह से अभी रीवा शहर का अगर देखा जाए तो यहाँ एक के बाद एक नशे की खेप पकड़ी जा रही है। अभी जैसे आपने थोड़े टाइम पहले सुना, मेडिकल स्टोर्स पे छापेमार कार्यवाही की गई क्योंकि सभी में नशीली दवाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूथ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इलेक्शन में आपने बताया कि इलेक्शन में भी इसका यूज़, तो बिल्कुल, क्योंकि जैसे एजुकेशन के साथ साथ लोग क्या करते हैं ना, नशे क्योंकि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, पहले वो शौक के लिए शुरू करते हैं और कभी ये लत में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हें खुद नहीं समझ में आता। और हमारे वोटर में भी काफ़ी ज़्यादा यूथ अब इंक्लूड हो रहे हैं, तो अगर इन सबसे लालच से एक तो हमारा जो देश है, देश के जो हमारे आगे लीडर्स आ रहे हैं वो भी अगर नशे में हम वोटिंग करते हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, उससे फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, देश का भविष्य भी खतरे में है क्योंकि जिस तरह से चुनाव में इन मादक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अशोक जी, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में मादक पदार्थों की तस्करी और ये खेप, एक गांजे की बड़ी खेप आना रीवा में, यूपी और एमपी में इसको पहुंचाया जाना, चुनाव को कितना प्रभावित करने वाला था ये? देखिए, क्या है, इसका कहीं ना कहीं से कुछ राजनीतिक संरक्षण बगैर मिले हुए इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता, चाहे किसी का भी हो, हम किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हमारे युवा वर्ग को टोटल ये डैमेज करते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में विद्यालयों के नज़दीक देखा जाता है कि नशे के आदि बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उसके बाद वो इतने हो जाते हैं कि गहने बेचना, पैसे चोरी करना, उसके बाद वो अपराधी हो जाते हैं। कभी कोरेक्स में आप पाएंगे, कभी गांजे में पाएंगे, कभी शराब में पाएंगे। इस तरीके से हमारे युवा पीढ़ी को टोटल ये बर्बाद कर रहे हैं नशे के कारोबारी। जी बिल्कुल, नशे के कारोबारी इन दिनों रीवा ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्र के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं की क्या राय है, हम निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर गांजे की खेप और मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को और शहर के लोगों का माहौल ख़राब कर रही है और आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ा रही है। क्या लगता है कि जो युवा यहाँ पर नशे की गिरफ्त में है वो भी अपराध में लिप्त है, क्योंकि चैन स्नैचिंग हो बिल्कुल, या और जो अपराध हो रहे हैं रीवा शहर में वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इन युवाओं की ही बिल्कुल देन। बिल्कुल ये चीज़ है, क्योंकि जब तक इंसान नशे में रहता है तो बिल्कुल उसका जो मानसिक संतुलन है बिल्कुल नहीं रहता। बहुत से अपराधी ऐसे हैं बिना नशे के, वो ज़्यादातर नशे में रहते तभी अपराध होते हैं।
और अभी तक जितने भी अपराध हुए हैं रीवा शहर या कहीं भी अन्य, तो नशे के ही उसमें हुए हैं, चाहे वो कोरेक्स हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, ज़्यादातर अपराधी केवल नशे के ही उसमें वो करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मादक पदार्थों की बिक्री है, कहीं ना कहीं युवाओं के कैरियर के साथ ही शहर में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में युवा हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, वो सिर्फ इस बात के लिए अपराध करते हैं कि उनके शौक नशे के पूरे हो सकें, चाहे कोरेक्स का नशा हो या मेडिसिन के नशे कर रहे हैं, और अब सस्ती नशे के रूप में यहाँ पर गांजे की खेप भी भारी मात्रा में उतारी गई है, और ऐसा कहा जाता है कि ये गांजे की खेप जो है युवाओं के साथ ही जो बड़े हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, वो भी इसके सेवन करते हैं और कम दाम पर एक बड़ा नशा करते हैं और अपराध में लिप्त हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरह से यहाँ पर गांजे की खेप को पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने और भी यहाँ पर कई बड़े खुलासे किए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्मैक की खेप आई थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ा, हफीम है या तो कोरेक्स की लगातार धरपकड़ हो रही है, तो अशोक जी क्या लगता है कि ये पुलिस जो धरपकड़ कर रही है निश्चित तौर पर बेहतर कारगर साबित हो रही है इनकी कार्रवाई, या फिर कोई कमी है जो इन्हें पूरा करना चाहिए? देखिए, इसके पहले भी पुलिस थी, इसके भी पहले गांजे पकड़े गए हैं, लेकिन भारी मात्रा में अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, ये संदेह का विषय जरूर होता है। लेकिन सब ये पुलिस को धन्यवाद है कि इतनी बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जो हमारे युवाओं में एक नासूर बनता जा रहा है ये नशा, और उस नासूर बनने से रोकने के लिए हम ये पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, सबल रहे और ये नशे से दूर रहे। क्या लगता है कि नए एसपी जो आए हैं उनकी देन है कि ये बड़ी कार्रवाई हो सकी? ये उन्हीं के, देखिए उच्च बड़े अधिकारी जितने हैं उनके कहने के अनुसार ही नीचे के कर्मचारी और अधिकारी वगैरह चलते हैं, लेकिन नवागत जो एसपी आए हैं उनके भी कहीं ना कहीं उन्हीं के ये आने का एक ये माने कि सबसे बड़ा नजराना कहें या कि वो कहें कि अपराध जगत में उनने एक अपनी पैठ जमाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी एसपी साहब ने अभी ही प्रभार लिया है और उसके बाद ही एक बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ का गांजा यहां पर जब्त होना, निश्चित तौर पर ये एक उनके प्रशासन और उनके मुखबिर तंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह से यहाँ पर एक गांजे की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। और अगर लगातार पुलिस अधीक्षक इसी तरह एक्टिव रहे तो यहाँ पर नशे के कारोबार में लगाम लगाई जा सकती है। रीवा दर्शन के लिए विजय विश्वकर्मा।